Murder? What murder? What murder? अभी दो सेकंड पहले तुम मर्डर चला रहे थे, so I want to know about it. Tell me. मैम हम बात कर रहे थे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सी बात. Go on, tell me. We were just discussing a plot, a movie plot, which starts with a murder. And आपको तो पता ही है जिया का स्टोरी सेंस कितना अमेजिंग है. Oh, that's so sad. So we were just discussing that. अगर इंडस्ट्री में किसी का मर्डर हुआ होता या फिर कोई मर्डर में इन्वॉल्व होता, that would have made such an interesting scoop. I'm thinking कि मैं जाकर मिस्टर खान को सब कुछ बता दूं. Stupid, तू अजहर को नहीं बता सकती है. Wait, one sec, guys. I just realized मैं तुझे एडवाइस दे रही हूँ. आई थिंक बैंगलोर जाके या तो मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ या फिर तुम दोनों एक्सट्रीमली डम बन गए हो. ओके, आई एम नॉट डम. ड्यूड, आई विल डील विद यू लेटर. कैन आई डील विद दिस वन फर्स्ट? द प्राइज विनर ऑफ द डमेस्ट आइडिया एवर. मी? ऑफ कोर्स यू. तू अच्छा मुझे ये बता, तू अजहर को बताएगी क्या? क्या बताएगी तू? सम वाइल्ड कंस्पिरेसी थ्योरी? ड्यूड, नंबर वन, तू किसी को अक्यूज नहीं कर सकती है जस्ट बेस्ड ऑन अ थ्योरी. जर्नलिज्म 101. And number two, तू अपने बॉयफ्रेंड को उसकी मॉम के बारे में इतनी शॉकिंग रेवलेशंस नहीं दे सकती है. रिलेशनशिप 101 एंड रेवलेशंस 101. तो इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई? या तू रेवी है ना, तुम्हारी इमेज और रेप को कहीं बैंगलोर तो नहीं छोड़ा है? गाइस प्लीज, तुम लोग क्या समझोगे द स्ट्रगल्स ऑफ फीमेल डीजे? आई मीन, ना चाहते हुए भी सोसाइटी मच्योर बना ही देती है. मच्योर मी ही. विजया, ऑन अ सीरियस नोट, रेव बिल्कुल सही कह रही है. तू अजहर को कुछ नहीं बता सकती जब तक तेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो. कैसा प्रूफ जी? वीजा के लिए करंट एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ कल यूएस एम्बेसी में सबमिट करना है. सो गुरु, तुम इस समय यहाँ कैसे? जी वो कंपनी भी शुरू होने वाली है और साहिर जी भी अपना गाना लिख रहे हैं तो. ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम. जी इसलिए मैं सोच रहा था कि स्टार्टअप के स्टार्टअप से पहले श्री गणेश हो जाए, एक पूजा रख लें जी. Cool. Yeah, what say guys? Sure, I mean, वैसे भी हमें divine help की काफी जरूरत है. रेव, पूजा, yeah, it could be fun. और वैसे भी गुरु, only you can think of such beautiful or traditional ideas. तो कल का ही रखें जी? Cool. Done. Let's do it. Yeah, and गुरु मैं तेरी help कर सकती हूँ. Actually, आजकल सब इतने out of character behave कर रहे हो आजकल यार. तुम दोनों dumbness से infected हो, ये meanness से infected है. Okay, never mind. सारी problems के साथ मैं खुद deal कर लूँगी. Okay. तपस्या. साहिर? नहीं, it's me, ईशा. Sorry, मुझे पता नहीं था कि तुम men's perfume use करती हो. Yeah, मुझे men's perfume पसंद है. अच्छा? So it's a coincidence कि तुम्हारा और साहिर का perfume same है? Admitted, ईशा, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? No. I don't. मैं move on कर चुकी हूँ. इस परफ्यूम के पीछे कोई खास वजह नहीं है, बस आदत हो गई है. So don't read too much into it, okay? Okay, if you say so. I do say so. And I mean it. मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे तुमसे बात करनी है.
साहिर और तुम? There is no साहिर in me. उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया. और तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे? मतलब? मतलब उसने नो बोला और तुम गिव अप कर रहे हो? वेट, तुम खुश नहीं हो कि साहिर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता? I meant it when I said कि मैं साहिर की एक्स हूँ. And मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि साहिर मूव ऑन कर ले. And I think you're the right girl for him. तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है. Unbelievable. Ex-girlfriend lover के लिए नई girlfriend ढूंढ रही है. That's insane. Ex-lover. तपस्या, I really like साहिर. वो बहुत अच्छा है. और मैं चाहती हूँ कि साहिर को कोई ऐसी लड़की मिले जो उसके लिए बेस्ट हो. तुम उसके लिए बेस्ट हो. सो प्लीज डोंट गिव अप. तुम सीरियस हो? या आई मीन एवरी वर्ड. पर मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें साहिर का मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता. दैट्स टोटली कूल. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. दैट्स रियली नाइस ईशा. मुझे लगता था कि तुम खड़ूस हो. आई मीन कभी कभी. यू एक्चुअली रियली कूल. ओके, कभी कभी मैं खड़ूस हो जाती हूँ. यू आर नॉट टोटली रॉन्ग अबाउट दैट. बट यू नो, तुम और साहिर कंपैटिबल हो. जब साथ में होते हो तो खुश लगते हो. यू गाइस हैव दिस केमिस्ट्री. इसलिए प्लीज गिव अप मत करना. तुम्हें सच में ऐसा लगता है? या मुझे लगता है. ओके लुक, थिंक ऑफ साहिर एज अ वेरी डिफिकल्ट डांस रूटीन जो एक बार ट्राई करने में यू डोंट गेट, लेकिन बार बार ट्राई करने से यू गेट इट. तो ट्राई करना बंद मत करो. इवेंचुअली साहिर को यस बोलना ही पड़ेगा. मैंने लाइफ में कोई इतनी सुपर कूल एक्स गर्लफ्रेंड नहीं देखी. मुझे भी एक सुपर कूल एक्स गर्लफ्रेंड बनना है. उसके लिए पहले उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा. कैसे? आई हैव अ प्लान. मैं साहिर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी. तुम मुझे गाइड करोगे? या बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि हम दोनों के बीच का सीक्रेट प्लान रहेगा. आई कैन कीप सीक्रेट्स, बट तुम्हें भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसी को नहीं बताओगी. आई मीन नॉट इवन जिया एंड रेव. या आई प्रॉमिस. लेट्स टेक ऑन दैट. संभल कर अप्रोच तो कर लेंगे, बट उसके आगे क्या? सी, इस केस के दो आउटकम है. एक बात कोर्ट की तरफ जाता है. यू नो, केस रीओपन होगा, लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, बट इससे पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा, स्पेशली अजहर. और दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन ये है कि यू नो, हम सबूत इकट्ठा करें और एक बार एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल जाए, देन विल ब्रेक द स्टोरी एंड विल गो पब्लिक. पब्लिक? डिड आई जस्ट हियर दैट? कौन पब्लिक चाह रहा है? कौन सी स्टोरी ब्रेक हो रही है? वो मिस्टर खान की स्टोरी सुबह वाली, उसमें एक नया ट्विस्ट डाल रहे हैं. क्या? कि मर्डरर वो पब्लिकली कन्फेस कर लेता है कि वही मर्डरर है. इंटरेस्टिंग. उसका क्या फायदा हो? क्योंकि वो मर्डर है ही नहीं. फेक मर्डर. तो वो झूठा मर्डर पब्लिकली कन्फेस करके क्या फायदा होगा? एक्चुअली ना, मर्डर हुआ ही नहीं होता था. यू मीन फेक मर्डर, झूठा कन्फेशन? इट्स कॉम्प्लिकेटेड, यू नो. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू नो, साइकोलॉजिकल ड्रामा, देयर इज मिस्ट्री, देयर इज रोमांस, यू नो, साइकोलॉजिकल. वेल ऑब्वियसली, जब ऑफिस आवर्स में तुम लोग स्टोरी खेल रहे हो तो कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा. आई एम ऑल इयर्स. मेरे घर में पूजा है, रखी है, लाइक एक पूजा रखी है. मैम, मेरे घर में कितना हाफ डे ले लूँ प्लीज? हाफ डे तो तुमने गॉसिप में निकाल दिया. यस मैम. नो मैम. तो फिर ये दिन एज अ लीव काउंट होगा. इज दैट ओके विद यू? यस मैम. पर मुझे बहुत अर्जेंटली जाना है मैम. सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है जाना. ना दिया डार्लिंग. किसने लिखी है? It's a new writer. New writers. You
शुरू से बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कुछ चाहिए? बस हमन सामग्री मंगवा दीजिए। सामग्री लाओ। हाँ, सामग्री लेकर आओ यार। मैं लेके आ गया। हेलो। पंडित जी, सामग्री। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। बैठ जी, बैठ बैठ बैठ। Hey guys. Hey तपस्या, इधर आओ। कम आओ। तपस्या से इतना प्यार कब से हो गया? आप लोगों में से पूजा कौन संपन्न करेगा? ठीक। साहिर और तपस्या, ये दोनों। आप लोग आगे आइए। नहीं नहीं, ये तो रिलीजियस भी नहीं है। ओ प्लीज, आई एम रिलीजियस। मैंने टीवी पर रामायण और महाभारत दोनों देखा है। ठीक है, आगे आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमदेव सर्वकारेषु सर्वदा। कोई देख लेगा? सिर्फ कोई नहीं देख रहा है। तो जाने दीजिए मिस्टर खान। हर इंडियन मैन की फेवरेट फैंटेसी होती है अपनी वाइफ के साथ में किचन में रोमांस करना। वाइफ? आई मीन किचन, यू नो व्हाट आई मीन राइट? मिस्टर खान, आपने वाइफ बोला, शादी वो तो हमने कभी यूज भी नहीं किया। ऐसे नहीं, हमने पहले कभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया, बट आई थिंक मैं आपके साथ में सेटल होने के लिए रेडी हूँ। सॉरी मिस्टर खान। मुझसे ढंग से बात नहीं करी है, एंड योर बिहेवियर सुपर वियर्ड। तो ये मत बोल, देयर इज नो प्रॉब्लम। रिद्धि जी, मेरे बर्ताव से आपको क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे कैसे बोल सकता है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता ना जी, तो जो लोग आपका भला चाहते ना, उनके बारे में आप कुछ तो सोच लेते। तुझे लगता है मैं तेरे लिए केयर नहीं करती? आप अमेरिका जा रहे हो, इसके बारे में क्या समझूं?
माफ करेगी रेवती जी, लेकिन मेरा दिल ना आपकी तरह पत्थर का नहीं बना है। What is that supposed to mean? मैं ना अपने क्लोज फ्रेंड्स को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ जी। गुरु तू मैं क्या जी, मैं क्या, आप जानती कि जब आप हर्ट होती है तो मैं हर्ट होता हूँ जी, पर अब ना मेरे में क्षमता नहीं है रेवती जी और हर्ट होने। गुरु यार मैं यूएस जा रही हूँ, वहां मैं कैसे हर्ट होंगी? शेखर ओके गुरु देख अब तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? आई नो तू मेरे लिए केयर करता है, तू मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ता है, और मेरी लाइफ का पॉइंट ये है, और डिसीजन के साथ रिस्क भी आते हैं, बट दैट्स कॉल्ड ग्रोइंग अप, है कि नहीं? सी आई हैव मेड दिस डिसीजन बहुत सोच समझ के, एंड यू विल जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। सामने खाई है, आप कूदने जा रहे हो और आप कह रहे हो कि समझदारी का काम है? गुरु खाई कहाँ है? शेखर है खाई जी। अब तू बच्चों जैसे बिहेव कर रहा है, एंड इट्स पिसिंग मी ऑफ। जी शेखर खाई है तो है। फाइन, तुझे ऐसे बिहेव करना है ना, फाइन। तुझे मुंह फुला के बैठे रहना है, फाइन। तुझे मुझसे दूर रहना है, सुपर फाइन। लेकिन तेरे स्टूपिड लॉजिक से ना मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाली। ये पूजा संपन्न हुई, अब आपकी इकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सॉरी क्या है? कंपनी, आपकी कंपनी। अच्छा ओके हाँ ठीक। आप दोनों ने पूजा बहुत अच्छे से की है, भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। नहीं एक सेकंड, हमारी जोड़ी नहीं है, हम जोड़ी में नहीं है। ठीक जोड़ी नहीं है, हम जोड़ी से भी बढ़कर है। कोई बात नहीं, प्रसाद ले आइए। ये ली। आप दोनों इसे बांट लीजिएगा। नहीं क्यों, मुझे अपना चाहिए। अज़र हम ये बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे। गाइस, ये बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई। अम्मी प्लीज काम डाउन। काम डाउन? आप हमसे बोल रहे हैं? आपको जरा सा भी ये रियलाइज हुआ है कि आपने क्या किया है? अपने मजहब की परवाह किए बिना आपने अपने दोस्तों को अपने घर में पूजा करने दी। आप भूल गए कि आप एक मुस्लिम हैं? अम्मी पूजा ही तो थी जो आपके और हमारे घर में हुई है। अम्मी भगवान हो या अल्लाह हो, ऊपर वाला सबके लिए सेम ही तो है। क्या हमें अपने मजहब के उसूलों में रहने मिल सकता? क्या इतना एहसान आप कर सकते हैं हम पे? अम्मी अम्मी देखिए, हमारी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं, प्लीज गलत मत समझिए। नहीं हम बिल्कुल गलत नहीं समझ, बल्कि हम सोच रहे हैं कि जिया ने आप पे ऐसा क्या जादू कर दिया है, वो जो करती है वो सही और आपकी अम्मी जो बोले वो गलत है। आप जिया को बीच में क्यों लेके आ रही? क्या कहा? अम्मी हम सिंपली ये कह रहे हैं, हर बात में जिया को बीच में क्यों ले आती हैं? हमसे कहिए ना। ठीक है तो जाइए और पूछिए अपनी जिया से कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मुस्लिम फैमिली का घर है। आपसे बहुत प्यार करती है ना, तो एक बात बताइए, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी अम्मी से आकर पूछ ले, जिस इंसान ने उसे अपने घर में रहने की परमिशन दी, पूछने से तो कोई छोटा नहीं हो जाता ना अज़र? अम्मी वो भूल गई होगी, मैं भी बिजी होगी, लेकिन इस बात को इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है? हमने आपसे पहले भी कहा था अज़र, एक पानी के डैम में एक छोटा सा क्रैक भी उसे एक दिन तोड़ सकता है, पर आप इन छोटी छोटी बातों को अहमियत नहीं देना जानते। अम्मी प्लीज रहने दीजिए, आपको बोलकर कोई फायदा भी नहीं, आपकी नजर में जिया कभी गलत ही नहीं हो सकता। एक बात बताइए, कल को जिया कहेगी कि आप कन्वर्ट हो जाइए तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे? आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं? बिल्कुल सीधा सवाल है अज़र,
कल को जिया कहेगी अपना मजहब बदल दो तो तुम अपना मजहब बदल दोगे? कल को जिया कहेगी चूज करो मजहब में और उसमें तो तुम अपना मजहब छोड़ दोगे?